माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। ओवरऑल 58 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी प्रदेश भर की जो परीक्षाएं हैं उसमें शामिल हो रहे हैं। पहली मीटिंग में जो परीक्षा है वो 10वीं की है, हिंदी की है, और ऐसे में हम प्रयागराज के ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो सुबह से ही पहुँचने का उनके जो क्रम है, जो सिलसिला है, वो शुरू हुआ है। तमाम जो ज़रूरी तैयारियाँ होती हैं यहाँ पर की गई हैं। कुछ परीक्षार्थी हैं, किस तरीके की उनकी तैयारियाँ हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। बेटा, आप लोग परीक्षा के लिए आए हो, किस तरीके की तैयारी है? बहुत अच्छे से तैयारी है, हम जानना चाहते पूरा पढ़ाई मन से करें। आप भी परीक्षा के लिए आए हो, ये एडमिट कार्ड आपका है, रोल नंबर अभी यही इसी में होगा। किस कितने में है आपका रोल नंबर? कितने कमरे कमरे 21 है। 21 है। किस तरीके की तैयारियां हैं बेटा पूरी परीक्षा में? बहुत अच्छी है, हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं कि अच्छे से जाए हमारा एग्ज़ाम। ये बताइए, सरकार ने जो नकल करने वाले हैं उन पर सख्ती का फैसला लिया है, क्या कहोगे, अच्छा है फैसला? ये अच्छा है। अच्छा है ये। हाँ। और भी लोग हैं, आप भी बेटा परीक्षा के लिए आए हो, किस तरीके की तैयारी है? अच्छी है सर, पूरी गारंटी से स्टार्ट करके। और भी छात्र हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बेटा, आप भी परीक्षा के लिए आए हो, किस तरीके की तैयारी है? सर, बहुत अच्छी तैयारी है। क्या कहोगे, सरकार ने नकल पर सख्ती का फैसला लिया? सर, ये अच्छा है जी। अच्छा है। आप भी देने आए हो बेटा, क्या किस तरीके की तैयारी है? सर, बहुत अच्छी है, अभी तो नहीं बता सकते। तैयारी पूरी है जी। सरकार ने जो नकल करने वाले लोग हैं उन पर सख्ती का फैसला लिया है, NSA के तहत कार्रवाई होगी जी। सर, पता है। अच्छा है जी सर, अच्छा है, क्यों नहीं अच्छा होगा। देखिए, ये परीक्षार्थी हैं जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सरकार का जो फैसला है, खास करके NSA के तहत जो कार्रवाई का, वो बेहतर है, खास करके उनके हित में है। ऐसे में अब से कुछ ही समय के बाद परीक्षा जो है 10वीं की हिंदी की जो परीक्षा है वो शुरू होगी, और सभी परीक्षार्थी अपने केंद्रों पर पहुंचने का जो क्रम है वो शुरू हो चुका है। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज।